श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण का, भगवान कृष्ण का सारी गोपियों के प्रति प्रेम है, पर ये गोपियां कभी ईर्ष्या नहीं करती राधा रानी से कि क्या ये कृष्ण हमें छोड़कर ये राधा रानी के साथ चले गए, ये क्या इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमें कोई कमी है क्या, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम सुंदर हैं, सुशील हैं, अच्छे घरों से हैं। तो ये जो बातें होती हैं, ये आलतू फालतू बातें, ये सब इस संसार में होती हैं, दिव्य जगत में ये सब बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारे संबंधों का केंद्र बिंदु है भगवान कृष्ण, सारी एक्टिविटीज एक ही तरफ निर्देशित हैं, वो है भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, नेम, स्ट्रेंथ, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी, रिनंसिएशन। तो क्योंकि ये 6 ऐश्वर्य भगवान में हैं, इसलिए भक्त इनका आस्वादन करते हैं, इनसे कोई ईर्ष्या नहीं होती है भक्तों को। और इस संसार में यही 6 चीजें ईर्ष्या का कारण बन जाती हैं। तो किसी के धन के कारण हम उससे ईर्ष्या करते हैं, किसी के यश के कारण उससे ईर्ष्या करते हैं, किसी के ज्ञान के कारण हम उससे ईर्ष्या करते हैं। तो बिना भगवान के ये 6 ऐश्वर्य ईर्ष्या का कारण ही बनते हैं, पर गोपियों के बीच में कृष्ण सेंटर हैं, इसलिए कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या इंग्लिश में बोलते हैं एनवी, एनवी स्टैंड फॉर नो वैकेंसी। तो अगर हृदय में ईर्ष्या है तो भगवान के धाम में नो वैकेंसी। जब किसी का गुणगान हो रहा हो और आगे लगा दें लेकिन, लेकिन क्यों लगा रहे हो ना, इसका मतलब है कि जो मैंने पहले बोला था वो सब बकवास है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी जो मैं बता रहा हूं ना लेकिन के बाद, ये असली चीज है, ये असली मसाला है। तो अब असली चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्या है ये, ईर्ष्या। इसलिए कई बार हम भगवान कृष्ण का भी गुणगान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनसे भी थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो है हमें, अरे ये अकेला गोपियों के साथ डांस करेगा क्या, हम बस ताली बजाएंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तो एक भी गोपी नहीं आई, एक भी नहीं मिली अभी तक मुझे। तो इस प्रकार हृदय में ईर्ष्या है तो भगवान कृष्ण का गुणगान भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और ईर्ष्या का उल्टा क्या है, प्रशंसा, ग्लोरिफिकेशन। तो कभी भी अथॉरिटी के पास मान लीजिए 2 भक्त चल गए आपस में लड़ते लड़ते, एक दूसरे को खूब सुना रहे हैं, तो अथॉरिटी क्या करती है उनको, बोले अच्छा 1 मिनट इधर आइए, आप ऐसा करिए कि आप इनके 3 गुण बता दीजिए हमें, और आप इनके 3 गुण बता दीजिए हमें। तो बोलने लगते हैं, बोले प्रभु जी अब अच्छे तो हैं, अब प्रभु जी ये बाद में करेंगे, पहले पहले आप मेरी सुन लो, मेरी बात तो बताओ आप। तो फिर डिवोटी बोलते, बोले ठीक है पहले आप मेरी बात पूरी करो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनके 3 गुण बताओ। तो जान निकल जाती है गुणों को बोलने में, क्यों, क्योंकि अंदर हृदय में ईर्ष्या भरी पड़ी है। तो जितना प्रशंसा करेंगे ना, जैनवीन हृदय से प्रशंसा करेंगे, उतनी जल्दी हमें ईर्ष्या से मुक्ति मिल जाएगी और उतनी जल्दी भक्ति में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो गुणगान क्या करना है, किसी की एक भी अच्छी क्वालिटी हमें दिख रही है तो उसको मैग्निफाई करना है। फिर क्या होगा, हृदय में ये जो आग जल रही है ईर्ष्या की, ये जल के ये खत्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। तो हमें इस छोटी सी अगर चिंगारी भी है उसको हवा देनी है, अगर उसमें एक भी गुण दिख रहा है तो उसको हवा देनी है, उसको मैग्निफाई करना है। तो ये हवा क्या है, ये प्रशंसा की हवा है। तो फिर चलकर जो भी हृदय में ईर्ष्या है वो भस्म हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय।